वर्ग और वर्गमूल की वीडियो जो वैसे भी बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल समझाएंगे। देखिए सीधे सीधे मुद्दे पर बात पर चलते हैं और एकदम वीडियो में लास्ट तक स्टे रहना। अगर आप वीडियो में लास्ट तक स्टे रहते हैं ना, तो आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल साबित होगी वीडियो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी चीजें हम बताएंगे एकदम कन्फर्म बताएंगे। यहाँ पर हम वर्ग की अगर चर्चा करते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसी संख्या का उसी गुणा। यानी कि अगर यहाँ पर x है तो आप x में ही गुणा करें, x है तो इसके x में ही गुणा करें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर। यही है x का वर्ग, इसको बोलते हैं x का वर्ग, यानी x स्क्वायर। इंग्लिश में x स्क्वायर बोलते हैं और हिंदी में x का वर्ग। बात समझ गए? यानी जब भी किसी का वर्ग करना हो तो इसका मतलब उसको हम उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पर अगर हमारा पांच होगा फिर गुणा पांच होगा, इसका मतलब हमारा ये पांच का वर्ग था, यानी पांच का स्क्वायर था। अगर हम पांच और पांच का गुणा भी करते ना, तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाता है? ये हमारा 25 होता। क्या होता हमारा? ये 25 होता। बात समझ में आई? ये हमारा 25 होता और इसका हमारा उसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा 25 मिला हुआ। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ गए कि हमारा स्क्वायर क्या होता है। अगर हम समझे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, तो हम समझ सकते हैं उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में है और ये आ जाएगा आपका 36। तो ये हमारा 36 आ गया। इस तरीके से वर्ग की तो बात आपके लिए क्लियर हो गई, वर्ग आपका फंसने वाला नहीं है, ठीक है? तो वर्ग की बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से हम वर्गमूल पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? किसी की संख्या का वर्ग जो होता है, मतलब आपका कोई भी संख्या हो, संख्या का वर्गमूल जो होता है, संख्या का जो वर्गमूल होता है वो इस तरीके से अगर हम समझें कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे आपका कोई भी एक संख्या हो, मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या हो आपके लिए, वो एक संख्या x है। कौन सी संख्या है? x है। और x का वर्गमूल निकालें, x का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये होता है आप इस तरीके से जब कर लगा दें, ये करड़ी जो लगा दें, अब करड़ी वाला वीडियो जब नहीं देखे होंगे, इसके पिछला करड़ी वाला वीडियो था उसको देख लेना, अंडर रूट वाली बीमारी उसमें हम समझाए, उससे पहले मैंने घातांक और घन सारी चीजें समझाए हैं, आप देखते रहिए वीडियो समझ में आए। यहाँ पर जो x देख रहे हैं इसको हम इसके अंदर रख दें, इसको हम इसके अंदर रख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम इसके अंदर रख दे रहे हैं, तो ये जो हमारा रूट निकलने चल रहा है ना, यही हमारा स्क्वायर है। अब बोला जा रहा है स्क्वायर रूट है, इसका मतलब हम स्क्वायर, इसको अगर हम करें, इसको हम स्क्वायर करें, इसका हम स्क्वायर करें, तो हमारा फिर से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर से हमारी यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आए? यानी एक्स का हम इस रूट एक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से यही संख्या। तो बात ये समझ में, जब हमें वर्गमूल निकालना हो तो उस संख्या का वर्ग अंडर रूट लगाकर स्क्वायर कर दें तो वही संख्या आती है, उसी को बोलते हैं वर्गमूल। यानी कि अगर हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपका अभी ये घात जो है, ये जो वर्गमूल लगा है, ये जो वर्गमूल लगा है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका वाई है, क्या है? वाई। और वाई का जो है हमारा वर्गमूल वाई, इस तरीके से लिखा जाएगा वर्गमूल। और इसको हम दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, किस तरीके से? वाई लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक बटा दो लगाएंगे, एक बटा दो। ये एक बटा दो जो लिखा है यही हमारा रूट है, यही हमारा क्या है? रूट है, मतलब यही हमारा स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को और किसी भी प्रकार के रूट को हम समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है कोई भी संख्या, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x, x का रूट मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लिख देता हूँ दो। क्या लिख देता हूँ? दो। इसका मतलब ये क्या है? ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसको हम लिखते नहीं है बार बार, स्क्वायर आपको ऐसे लिखा रहता है, ये स्क्वायर यहाँ पर जान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं एक्स का वर्गमूल, एक्स का वर्गमूल, एक्स का वर्गमूल, ठीक, एक्स का वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से अंडर रूट लगा करके एक्स का हम यहाँ पर थ्री लिखें, क्या लिखें? थ्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब ये तो थ्री लिखें, तो इसको हम लिखेंगे एक्स का घनमूल, एक्स का घनमूल, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट यहाँ पर लगाकर x का मैं चार लिख दूं, x का मैं चार लिख दूं, तो यहाँ पर लिख उठेगा क्या? x का चौथा मूल, x का चौथा मूल, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लिखूं कोई भी संख्या, पांच हो तो पांचों मूल, छह हो छठा मूल, और अगर कोई भी घात है, यानी यहाँ पर हम x का हमारा कोई भी घात है, यानी हमारा एन घात है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स का
एक्स का एनोवा मूल, कौन सा मूल? एनोवा मूल, एनोवा मूल। अब एनोवा मूल का मतलब यहां पर अगर आप 5 लिखेंगे तो पांचवा मूल, 10 लिखेंगे तो 10वां मूल, 12 लिखेंगे तो 12वां मूल, इस तरीके से बोलना तो सीख गए। ये हमारा घनमूल है, ये हमारा घनमूल है, और ये हमारा चौथा मूल है। इसी तरीके जो भी संख्या रहेंगे वह मूल हो जाएगा, मतलब मेरा अगर मैं 100 लिखूं तो 100वां मूल हो जाएगा, बस। में तो ये चीजें हमारा थोड़ा बेसिक था, ये मूल वाली चीजें थी क्योंकि इसको समझना जरूरी था। अब स्क्वायर, कभी कभी स्क्वायर को जो बोला जाता है उसको हम बोले कि वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्वायर जो हम बोले, इसको हम बोले वर्ग। क्या होता है? वर्ग। और वर्ग जो होता है हमेशा वो क्या होता है? वो इस तरीके से होता है, चार भुजाओं से मिलकर बना होता है, चार भुजा से मिलकर बना होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। यानी अगर इसका हम परिमाप देखें, क्या देखें? परिमाप देखें तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 4a। और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ए का स्क्वायर। ये चीजें आपको समझ में, तो इसी वर्ग में उस और इस वर्ग में आपका जो कोण होगा वो आपके इक्वल होंगे, क्या होंगे? सभी बराबर होंगे, यानी सभी समकोण होंगे। कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। कोण क्या होगा इसमें? समकोण होगा, ठीक। कोण क्या होता है इसमें? समकोण होता है। तो ये चीजें हमने वर्ग के बारे में, वर्ग की चीजें हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं कि धीरे धीरे करके वर्गमूल निकालने में हम कुछ विधियों का वर्णन करते हैं, ठीक है। अब जो है वर्गमूल, आप वर्गमूल निकालने की, वर्ग तो आप समझ लिए, किसी संख्या का हम स्क्वायर चढ़ा देंगे तो वर्ग हो जाता है। हम वर्गमूल पर चलते हैं, किस पर? वर्गमूल पर, ठीक। वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये तो इसको हमारा ये क्या होगा? ये हम दो तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से? दो तरीके। पहला होता है आपका गुणनखंड, गुणनखंड, और दूसरा आपका होता है भागभेद। कौन सा होता है? ये हो गया आपका गुणनखंड भेद, ये हो गया आपका भागभेद, ठीक। दो विधि हमारे पास आ गई, तो दोनों विधियों को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक। और इसके साथ साथ कुछ निकालने की ट्रिक होती है, वो चीजें और हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं वर्ग निकालने का तरीका, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका फेमस तरीका होता है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। और माइनस में भी निकाल सकते हैं, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2ab ब्रेकेट में बी स्क्वायर, मतलब ये इस तरीके से इस सूत्र पर निकाल सकते हैं। ये वर्ग निकालने का तरीका है, एक्स का तरीका है, वर्ग निकालने का तरीका है। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो चीजें हैं आपके, वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, मतलब हमें रूट निकालना है उसका, तो हम दो तीन विधि से निकालते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें संख्या मिल रही है 625। कौन सी संख्या मिल रही है? 625, ठीक। अब हम 625 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 625, दिमाग लगाइएगा, 625। तो पहले हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? हम यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड विधि से, तो इसको हम निकालेंगे। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, हमेशा हमें संख्याओं को जो काटना होगा याद रखना, 2 से काटना है, 3 से काटना है, भाज्य संख्या 5 से काटना है, 7 से काटना है, उसके बाद आपका 11 से काटना है, 13 से काटना है, 17 से काटना है, 19 से काटना, इतने में आपका काम हो जाएगा, इतनी संख्या से। अधिकतर आपका यहीं तक होना है, यहीं तक आपका काम आएगा, 7, बहुत ज्यादा 11 तक चला जाता है। इन संख्याओं में चेक करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, हमारा 5 से कटेगा। तो यहाँ पर मैं 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, एक इधर गया, इसमें 6 था ना, एक इधर गया, बना इसमें 12, यहाँ एक निकला, यहाँ पर लगा, तो जो संख्या निकला उसको लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 12, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 2 बचा, तो इसको लगा, तो 25 5 बचे 25, फिर 5 से मैं काटता हूँ, तो 5 से काटूंगा, तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर मैं 5 से काटूंगा, 5 बचे 25, फिर मैं 5 से काटूंगा, 5 एक 5, इस तरीके से ये मेरा गुणनखंड विधि। अगर यही चीज मैं भाग विधि से लगाता
में 625, पहले क्या करता मैं इसका जोड़ा बनाता, पीछे से आप दो दो जोड़ा बनाइए, जो भी ना बने उसको आप एक का ही बनाइए, लेकिन कोशिश करिए दो दो का बनाइए। तो दो दो का हम बनाते हैं, तो इस तरीके से बन रहा है, और इसको हम खींच लेते हैं। इसका आंसर हम भाग चाहे इधर साइड लिख दे चाहे इधर लिख दे, जहां भी इच्छा हो, तो वो चीजें अलग हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले चेक करता हूँ, पहला जोड़ा इधर से देखते हैं, पहला जोड़ा 6 का है और इधर 25 का है। तो 6 का हमें टेबल जो पढ़ना होता है, इसमें इसमें हमारे कुछ टेबल्स होते हैं, वो वर्ग वाले पहाड़े होते हैं। कौन से पहाड़े? ये वर्ग वाले पहाड़े। वर्ग वाले पहाड़े में क्या होता है, एक का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का इसी तरीके से 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस आपका इतने से काम चलना है, ठीक। एक दूसरे से इसको हम संपर्क करें, हमें यही पहला टेबल यही पढ़ना है, वर्गमूल का पहाड़ा है। ये कौन सा पहाड़ा है? वर्ग वाला पहाड़ा, वर्ग का पहाड़ा, ठीक, दिमाग में लगाइएगा। ये कौन सा पहाड़ा है? ये वर्ग पहाड़ा है। ओके, तो वर्ग के पहाड़ों को पहले पढ़ेंगे, पहले हमेशा हमेशा पढ़ना है कौन सा, वर्ग पहाड़ा, पहले वर्ग पहाड़ा, फिर बगल का पहाड़ा, बगल का पहाड़ा, इस तरीके से चलना है दिमाग में। यहाँ पर सवाल, पहले वर्ग का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6। देखिए कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़े कि जिसमें 6 से ज्यादा ना हो। एक का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं, जो ज्यादा हो वहां तक जाइए और ज्यादा वाले को एक संख्या पीछे चले आइए। यहाँ पर देखते हैं हमारा 6 लाना है, तो 4 भी 6 नहीं हुआ, 9 6 से ज्यादा हो गया, तो मुझे ज्यादा वाला नहीं चाहिए, उससे पीछे जाओ, मतलब ये हमारा 4 वाला जो है, 4 का मतलब दो का पहाड़ पड़ेंगे। कितने पहाड़ पड़ेंगे? दो का पहाड़। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? दो लिखूंगा, यहाँ पर दो लिखूंगा और दो का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। जो संख्या पहाड़ा पड़ेंगे उसका संख्या उतनी बार पहाड़ा देंगे, जिसका दो बार पहाड़ा जाएगा तो दो का पहाड़ा पड़ेंगे, मतलब दो का पहाड़ा पड़ा 4 जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और इस संख्या को हम ऐड कर लेंगे, जो हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़े हैं उसी संख्या को इकाई अंक ऐड करें, इकाई है ही ये, 2 2 4 हो गया। और इस तरीके से इसको यहाँ पर हम अगला जोड़ा, पूरा हमें जोड़ा लिखना है, जो जोड़ा है ना पूरा का पूरा लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं किनारे क्या है, 5। कोई ऐसी पहाड़ा है इसमें जो 5 है, पहले हमें पहाड़ा पढ़ना है वर्ग का, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, दिमाग लगाना, ये हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वर्ग का पहाड़ा में देखते हैं 5 इसमें है, 5 पहाड़ा पढ़ते हैं, मैं 5 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। 5 5 25, मतलब यहाँ पर 25 हुआ, 25 का 5 मैंने लिखा, 2 बचा, 2 का एरिया जो है अगले में जोड़ना है, बगल वाले के जब पहाड़ा, बगल पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 5 4 का 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे, तो ये हमारा घट गया क्योंकि वही संख्या है, जब घट गया तो यही हमारा 5 बार पहाड़ा पड़े थे, जो पहाड़ा पड़े थे उसको नहीं लिखे, 5 पहाड़ा पड़े थे, 25 आ गया, कितना आ गया, 25। अब इसका 25 तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया 25। और इसमें देखिए यहाँ पर 5 लिखते हैं, गुणा 5 लिखते हैं और गुणा 5 लिखते हैं और गुणा 5, कितनी बार 5 आया है? 4 बार। दो दो का जोड़ा बनाइए, एक जोड़े का 1 लिखिएगा, एक जोड़े का 1 लिखिएगा, तो 5 5 25, मतलब यहाँ पर भी हमारा कितना आया, 25, तो यहाँ पर भी 25 है। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है, आपका काम हो जाएगा आराम से, आप कोई भी सवाल बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा आपका, चाहे जो भी बनाएंगे। ओके, बात को समझ गए ना? तो ये होता है भागवित का वर्गमूल, और अगर हम देखें तो कठिन नहीं होता है, बट अगर आप समझ रहे हैं तो कठिन भी हो सकता है, क्योंकि जो चीजें कठिन है तो कठिन है, भागवित वाली चीजें आपको निकालना है। अब इसमें दशमलव, कभी कभी क्या होता है, ऐसा वर्गमूल आता है कि उसका नहीं कटता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता है, तो आप इससे मत निकालिए, दशमलव वाला हमेशा इससे निकालिएगा, क्योंकि इसी से निकलेगा, फिर दशमलव वाला वर्गमूल आ रहा है तो हमें इसी से निकालना है। ओके, बात को समझ गए ना? ये काम करना है, टेबल यही पढ़ना है, यहाँ तक था। कुछ फार्मूले इसमें होते हैं, हम उन फार्मूलों को हम आपके लिए लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके लिए, तो जो फार्मूले होते हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले नोट कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का, कोई भी संख्या हो, और उस संख्या का
रूट लगा हो, उस संख्या में दो संख्याएं हो, दोनों गुणे में हो, दोनों एक गुणे में, ए संख्या है और बी भी एक संख्या है, ए और बी दोनों संख्या, दोनों पर अंडर रूट है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ए का अंडर रूट अलग लगा सकते हैं, एक मतलब एक वर्गमूल अलग लिख सकते हैं और बी का वर्गमूल अलग लिख सकते हैं, और इनके बीच में गुणा होगा। इनटू को मतलब यहाँ पर गुणा समझते हैं, चाहे इसको हम गुणा लिख दें चाहे इनटू लगा दें। अगला, अगर हम ये दोनों संख्या पर थी, ये दोनों संख्या पर थी, अब यही संख्या अगर कभी आपको इस तरीके से लिखी मिली, इस तरीके से, तो सेम चीज वही है दोनों, यानी कि हम क्या क्या है, ये एक बटा दो मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल हम यानी कि हमारा ए पर भी वर्ग एक बटा दो, और गुणा में चाहे गुणा लगाइए चाहे इंटू लगाइए, और बी पर भी एक बटा दो, ये चीज हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ये बटा में भी हो सकता है, ये वर्गमूल आपका बटा में भी हो सकता है, ए बटा बी हो गया, ए बटा बी, तब कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अकेले अकेले में लिख दीजिए, ए का वर्ग कर दीजिए और बी का वर्ग कर दीजिए, ये ऐसे फार्मूले होंगे, ये यूज होंगे फार्मूले, यहाँ पर ये सूत्र हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये बटा वाला हो गया आपका, बटा वाले के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में कभी कभी ये चीजें आपकी ब्रैकेट में रहती हैं, ये चीजें क्या रहती हैं, ब्रैकेट में रहती हैं, मतलब ये वर्गमूल भी आपका रहे उसके साथ साथ आपका ब्रैकेट भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये तो हो गया इस तरीके से रहे कि ये चीजें आपका मतलब ए बटा बी लिखा हो, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दें क्या, नहीं यहीं पर लिख दे रहे हैं, बात एक ही होगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का एक बटा दो और उसके बाद बी का एक बटा दो, एक बटा दो मैंने क्यों लिखा कि वही वर्गमूल है, वही आपका वर्गमूल ही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक हो जाता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर हम करें, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब वो वाला सूत्र। फिर इसी तरीके से अगर हम करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें देखिए यहाँ पर प्लस है बाकी माइनस वाले माइनस है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है बराबर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से आपका ए इंटू बी, ए इंटू बी का एक बटा दो है, ए इंटू बी का एक बटा दो है, तब आपको क्या करना है, इसको वर्गमूल में कर देना है, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से कर देना है। इस फार्मूले पर आपको कभी भी कोई संख्या हो तो आपको लगाना है। अब बात बचती है आपके लिए कौन सी, भाग भी से वर्गमूल निकालना, पूरा आंसर लाना, वो भी दशमलव में, वो भी किस तरीके से, दशमलव में। चलिए मैं एक सवाल लगाता हूँ आपके लिए, ये कभी भी क्योंकि आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैथमेटिक्स में काम आएगा, तो ये चीजें आपको सीख लेना है। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इतनी ही संख्या लिख दे, क्या मतलब, ओके, यहां पर इतनी ही संख्या लिख दे। अब क्या करना है, इसको जोड़ा बनाना है, इसको क्या बनाना है, अभी इतने, अब जोड़ा बनाइए, दो का जोड़ा बन गया, फिर दो का जोड़ा बन गया, फिर एक का जोड़ा बना, एक का बना है कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कैसे टेबल पढ़ना है, वही रूल रहेगा। पहला जोड़ा पांच का है, ऐसे कौन सा पहाड़ा पढ़े जो पांच से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पर दो वाला पहाड़ा, तो मैं दो का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो हमारा यहाँ चार हो जाएगा, और घटाऊंगा पांच में चार एक आएगा, 62 पूरा पूरा मैं यहाँ पर रख दूंगा, और ये दो को मैं ऐड कर दूंगा, जो यहाँ पर संख्या रहे उसको जोड़ लीजिए, तो दो दो जोड़ेगा चार आ जाएगा, और इस तरीके से हमें पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर ऐसी संख्या को पढ़ो जिसके इसके बगल पढ़ लो, पहले तो यहाँ पर देखना है ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें दो किनारे आ रहा है, तो आ ही नहीं रहा है, और अभी चेक भी मत करना क्योंकि यहाँ लास्ट वाली संख्या भी बची है, इसलिए आपको इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है यहाँ से, इस वाली संख्या में जो संख्या मन में लो इस वाली संख्या में पहले पढ़ लो, अगर इस वाली संख्या में पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा ना हो, बस ये दिमाग लगे, क्योंकि पांच का पढ़ेंगे पांच चौका 20, इसलिए ज्यादा हो जाएगा, मैं चार का अगर पढ़ूंगा तो चार चौका 16 और कुछ ज्यादा हो जाएगा कैरी, इसलिए चार से पढ़ के मैं तीन का पढ़ता हूँ। ठीक है, तीन का कैसे पढ़ेंगे, तीन पढ़ा पहले इसमें पढ़ेंगे, तीन तरीक करना हो ये हो गया, फिर तीन पर चौको 12, इसमें कैरी में था मतलब 129 होता, अगर मैं चार बार पढ़ता तो पहले चार चौको 16, एक कैरी आया, एक का आया कैरी, फिर चार चौको 16, फिर पढ़ते चार चौको 16 और इधर आपका एक 16 एक 17। ठीक, इसलिए अब बताइए ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, इसलिए मैं तीन का पहाड़ा पढ़ता हूँ, जब तीन का पढ़ूंगा तो ये वाला आएगा, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर घटाने के साथ ही साथ इसको हम इकाई कांक जो
हमारा वंस वाली डिजिट होती है, इसको हम यहाँ पर जो है छः छः मतलब 3 3 6 और 4 46 हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाते हैं, 12 मसेन हो जाएगा 3, यहाँ पर बचा है 5, मतलब हो गया 3, और यहाँ से मैं 91 लिख लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर और इसको बढ़ा के काम करता हूँ, एक बार दिमाग लगाना, 4 को हमें क्या करना है, यहाँ 30 से ज्यादा ना हो तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो पढ़ेंगे पहाड़ा 4 7 28, कम से कम 7 बार चेक करते हैं, 7 बार चेक करेंगे तो 7 7 49, पहले ये वाला पहाड़ा पढ़ा जाएगा, और 7 6 42, 42 4 46, और 7 4 28, 28 4 32, मतलब 3269, 3000 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जा, अगर 8 बार पढ़ूंगा तो 8 4 32 यही हो जाएगा, और कुछ कैरी भी रहेगा, तो मैं यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ, और 3 बार मैं जैसे ही पढ़ूंगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था कितनी बार पढ़ा पढ़ा गया था, तो यहाँ पर पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया था, 3 बार ये वाला 3। अब यहाँ पर कितनी बार पढ़ रहे हैं, 3 बार, 7 बार, 7 बार पढ़ रहे हैं, तो 7 बार यहाँ पर लिखो, तो 7 7 49 की 9, 7 6 42, 42 4 46, 7 4 28, 28 4 32, यहाँ पर अब 1 11 मशीन हो गया 3, यहाँ पर बच रहा है 8 में 6 गया 2, यहाँ पर बच रहा है 1, और यहाँ पर आपका 7 जुड़ जाएगा, ये 7 वही संख्या जोड़ना जो यहाँ पर किनारे 7 7 14 की 4, और यहाँ पर 6 है, इसमें से एक ऐड कर देंगे, 6 1 7, और यहाँ पर 4, और बाकी यार आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई संख्या नहीं बच रही है, अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और जैसे ही यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे 2 0 आपका यहाँ पर बढ़ जाए, और इसमें संख्या में आपको ऐड कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ देखना है 4 बार पढ़ेंगे 12 ज्यादा, तो मतलब 3 बार जा रहा है, तो 3 बार हम एक बार चेक करते हैं, 4 बार पढ़ेंगे ज्यादा होगा, तो 3 बार यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ 3 बार, तो 3 3 9, फिर 3 4 पहले पहले पहाड़ा इसको, फिर उसके बाद बगल में पहाड़ा, 3 3 9 मैंने यहाँ से पढ़ा, फिर 3 4 12, 12 के 2, फिर 3 7 21, 21 1 22, फिर 3 4 12, 12 2 14, देख लीजिए ज्यादा हो, 3 बार ही ज्यादा हो गया, 3 बार ही ज्यादा हो गया, दिमाग लगाइए कि 3 बार हो गया। अब यहाँ पर 3 बार ज्यादा हो गया, तो वैसे ही समझिए 3 7 21 कई तो होगा ही पक्का, तो 3 4 12 2 14, इसलिए 3 से ना पढ़ करके यहाँ पर 2 बार ही पढ़ो, कितनी बार, 2 बार ही, क्योंकि यहाँ पर दिमाग का वो लगाया करिए, जब यहाँ पर 2 ऐड कर दो तो देख लीजिए 4000 कुछ हो गया, और 3 बार करेंगे 4 3 12 हजार, और 700 कुछ है, तो इस तरीके संख्या बढ़ेगी, और 2 बार करेंगे तो वही 2 2 4 पहले टेबल वाला, फिर 2 4 8 ये वाला, फिर यहाँ पर आपका 2 4 8 बाद 2 7 14, और यहाँ पर कोई कैरी था नहीं, 14 की 4, फिर 2 4 8, 8 है 9, इतना आ गया, फिर इसमें से घटाएंगे जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए ये 6 आ गया, यहाँ पर 9 1 आ गया, यहाँ पर आपका 12 4 गया 8 आ गया, यहाँ पर आपका 1 11 मशीन हो गया 3, किसी यहाँ पर 0 बढ़ सकता है, 2 0 आप बढ़ाते जाइए, यहाँ पर बढ़ा तो 2 0 ऐसे ऐड करते जाइए, तो इस तरीके से नेक्स्ट पहाड़ा पढ़ेंगे, किससे ज्यादा सेम वैसी प्रोसेस होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरीके से इसको ट्राई करिए, आपका वर्गमूल आएगा, वर्गमूल आपका आएगा भाग विषय, तो यहाँ पर जो बच्चा ना समझा हो कि वर्गमूल जो है भाग विषय में निकालना सिखाइए, पूर्णखंड विषय ये वाला तो हम निकाल लेते हैं, ये वाला नहीं करता, तो ये इसका हम पर्सनल अलग वीडियो बनाएंगे, और जो कंपटीशन में है ना उनके लिए ट्रिक्स काम करेगी, मैं बेसिक पर लेके चल रहा था, तो ट्रिक्स अलग चीज होती है, बेसिक अलग चीज होता है, दिमाग हमेशा बैठा के चलना है, और इसी तरीके से करना है, इस वाले फार्मूले का यूजेज करना है, ये वाले फार्मूले आपका किस तरीके से यूजेज होते हैं दिमाग में बैठाइए। जैसे देखिए यहाँ पर किसी संख्या का लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा है 25 लिखा है, तो 25 की का वर्गमूल यहाँ पर हमें निकालना है, 25 को वर्गमूल निकालना है, तो 25 को वर्गमूल जाएंगे निकालेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोई XY होता, यहाँ पर XY होता तो क्या करते, इसका अलग से X का वर्गमूल और गुणा Y का वर्गमूल अलग से, मतलब यही फार्मूला हमारा काम करता है, यही हमारा फार्मूला काम करता है, कभी कभी इस तरीके से हो जाता है कि यहाँ पर आपका 25 है और 25 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट 25, 25 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5, 5 का वर्गमूल। अब यहाँ पर इसको कैसे काटा जाएगा, दिमाग लगाइए, ये जो अंडर रूट है इसको इस तरीके से बना बदल दिया जाएगा 1/2, और इसके बाहर में आपका 2 ये अलग से है, इस 2 2 का घात घात का गुणा होता है, वो आपने घातांक और कारणी में पाठ में पढ़े हैं, तो
यहाँ पर आपका 1/2 और गुणा दो, ये घात वाला खेल 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और घातें किसकी थी, 5 की थी। इस तरीके से 5 के घात क्या आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा 1, मतलब आंसर हमारा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से फार्मूले का यूज करिए, और ये वाला फार्मूला यूज करके लगाइएगा भी, वर्ग निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला कब कैसे यूज किया जा सकता है इसको देखते हैं, तो ये इस तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ 21 का वर्ग, लिखा मैंने 21 इस पहले, तो इसको पहले तोड़िए, चाहे इस में चाहे इस में, इसमें 2 संख्या तोड़िए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 20 और +1 कर देता हूँ, और इसका स्क्वायर कर। अब देखिए इस तरीके, इसमें लिखा 1 स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर, प्लस लिखा है 2ab मतलब 2 गुणा 1 मतलब हो गया 20, और b का मतलब हो गया हमारा 1, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा 2 या 400 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये 20 दूना 40 हो जाएगा, और प्लस आपका 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 440 से 41, 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441। तो मैंने ये फार्मूला यूज किया, मतलब यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज हुआ, तो आपका सवाल ये आ गया। तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके की चीजों को समझिए, और बेसिक था थोड़ा सा, मैं सोचा कि बताता चलूँ, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल भी बताऊंगा, हर एक चीज, हर एक चैप्टर चलेगा, प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लीज जरूर देखना। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो आपको पुरानी वीडियो बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जो हो सके कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं।